दोस्तों मैं अपने जिम में आ गया हूँ और इस जिम में बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से बाहर दिखता है। अभी अभी हमारा जो डॉग वॉकर है वो लेके उनको उतरा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग बना रहे हैं व्लॉग शाम को। शाम को इसलिए बना रहे हैं कि शाम की आरती भी हो जाएगी, माता की आपको दिखा देंगे। और मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े और उसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सही लगी पिछले दो व्लॉग में, कि आप लोगों ने जो कहा कि उस दिन जो चेरी नहीं जाना चाहती थी और विकास का एक बार चेक करना चाहिए कि वॉक पे क्या होता है, कैसे वो ले जाता है। तो वी ऑलरेडी ट्रस्ट विकास, बट स्टिल मुझे इस बात में थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकल लगी ये बात। एंड आई हैव डिसाइडेड कि जो अभी शाम की वॉक के लिए विकास आएगा लेने, आई वोंट टेल हिम, लेकिन मैं उसके साथ नीचे जाऊंगा उसके पीछे पीछे जिम के बहाने से कि मैं जिम में जा रहा हूं। और क्योंकि हमारे जिम में से बाहर दिखता है अंदर नहीं दिखता, अंदर से आई विल सी कि वो कैसे वॉक करा रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारी भी संतुष्टि हो जाएगी और आपकी भी संतुष्टि हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड एंड वी बोथ अंडरस्टैंड, बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा हम लोग अपने बच्चों का उतना ही ध्यान रखते हैं जैसे आप लोग बहुत कंसर्न हो। तो हमारे पास तो हमारे बच्चे हैं तो हम लोग तो बहुत ज्यादा कंसर्न है, बट स्टिल आप लोगों की सहमति के लिए भी कि हम लोग एक बार देखें तो हम लोग आपके लिए चेक करेंगे। क्योंकि सुबह ऑलरेडी मैं नीचे वॉकआउट करने जाता हूं तो मैं जिम से पूरी नजर रखता हूं क्योंकि मुझे लगता है, लेकिन तो शाम हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं है और कभी भी नहीं देखा, लेकिन शाम का नहीं पता। तो सुबह का तो कभी ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि मैं अवेलेबल होता, लेकिन इवनिंग में मुझे थोड़ा लॉजिकल लगता है कि इवनिंग में कोई नहीं देखता। तो आज हम लोग देख लेते हैं और अभी आरती भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर ले, फिर कॉफी पी लें। पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताना भूल गया क्योंकि ब्लॉग खत्म हो गया था, आग वाग लग गई थी, बहुत ज्यादा हम लोग घबरा गए थे। लेकिन ये जो बैल्कनी मेरी बेबी ने बनाई है ना, तारीफ का वक्त। अरे बेबी नीचे चली जाओगी क्या, दिखाते दिखाते। बेबी मैं तुम्हें पालता हूँ, मैं इस चीज से बहुत रिग्रेट करता हूँ कि तुमने मुझे कितनी बार बोला है नेट हटा दो, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला था बेबी कि नेट हटा दो, बहुत सुंदर लगेगा। हमने ये नेट लगाया था कैंडी के लिए ताकि कैंडी कहीं इसमें से बाहर ना चली जाए, क्योंकि कैंडी तो बहुत छोटी होती थी, अब वो इतनी बड़ी है कि वो उसमें से नहीं निकलेगी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। लेकिन अभी देखो बेबी कितना अच्छा लग रहा है। बेबी अब मैं ये सोच, जब मैं समुंदर देख रही हूँ ना यार, बेबी देखो, बेबी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर ये काम बारिशों में कर दिया होता, ये काम अगर लॉकडाउन में कर दिया होता तो एंग्जाइटी भी नहीं होती। और क्या, कितना खुला खुला, कितना अच्छा अच्छा लग रहा है। वाओ, है ना? ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम ओपन में ही रह रहे हैं। हाँ, वो नेट की वजह से ऐसा पिंजरे जैसा फील आता था। वाकई तुम एकदम करेक्ट बोलो, पिंजरे जैसा फील आता था नेट में। और वो ना काले रंग का, जब मैं लगवाना चाह रही थी नेट, मैं एक्चुअली व्हाइट कलर का लगाना चाह रही थी लेकिन तब अवेलेबल नहीं था, इसलिए काला लगा दिया और वो काला लगा ही रह गया। आई हेट इट एंड आई लव दिस। ये कैसे लग रहे बेबी मैम सब? बहुत प्यारे, तुमने सारे यूज कर दिए, बस इसमें अभी प्लांट्स लगाने ना। हाँ, प्लांट्स लगाने। वैसे नहीं भी लगाओगी प्लांट्स तो भी सुंदर लग रहे हैं, पता है। हाँ, तो आप मर्जी है, देखो गेंदा भी लगा दिया वहाँ पे। हाँ, क्योंकि प्लांट्स का क्या है ना कि मतलब ध्यान ना रख पाओ तो जबरदस्ती ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। हाँ, देखो चेरू जैसा गेंदा मैंने वहाँ पे रख दिया। चेरू चेरू आपके जैसा गेंदा मैंने वहाँ पे रख दिया, देखो जरा कैसा लग रहा है। देखो तो सही गेंदा गेंदा मिल रहे हैं कि नहीं, ये देखो चेरू से मिल रहा है गेंदा। हाँ वैसा ही है, बस उसका साइज छोटा है, गेंदे का साइज छोटा है। हाँ। चेरू के बाल बांधू। अरे इसकी पोनी बनाई थी, कहाँ गई वो? वो निकाल देती है ना, अभी बनाई नहीं थी वैसे। इसके सर में तो दर्द नहीं होता हुआ पोनी की वजह से? इसके ये वाले बाल हमें काट देने चाहिए, ये वाले जो हमने पहले काटे थे ना वो लंबे हो गए हैं, काट दूंगी मैं। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि संभावना ने मुझे एक हफ्ते पहले गिफ्ट दिया था, हर ब्लॉग में बताना भूल जा रहा हूँ, और बहुत बड़ा कमाल का गिफ्ट है स्पेशली लड़कों के लिए। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ बेबी। जिन लड़कियों को ये नहीं समझ में आता कि अपने बॉयफ्रेंड्स को या हस्बैंड्स को क्या गिफ्ट देना है, तो हियर इट इज। और भाइयों को भी दे सकते हो, मना नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, टेंटन, दिस इज क्यूरा मैन। अविनाश हमेशा केराटिन कराने के लिए जाता रहता है सलोन में, तो वंस फॉर ऑल उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो दिस इज द शैम्पू केराटिन, दिस इज द कंडीशनर एंड द हेयर सीरम, एंड आई लव दिस बॉटल। खुशबू भी बहुत अच्छी है। साथ में इन्होंने दिया है हमें ताश के पत्ते दिवाली पे खेलने के लिए। तो भाई मुझे तो प्रोडक्ट यूज करके बड़ा मजा आया क्योंकि स्पेशली मेरे बालों में केराटिन होता है, मेरे बाल ऐसे घूम जाते हैं सांप की तरह, तो केराटिन शैम्पू और कंडीशनर लगाने से अच्छा हो गया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इनके पास आपके कंसर्न के हिसाब से अलग अलग किट्स अवेलेबल है, लाइक टैन किट, विंटर केयर, लुक गुड किट, और भी ऐसी बहुत सारी इनकी रेंज में इनके पास फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस मास्क और सीरम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये सब आप खरीद सकते हैं हैवी डिस्काउंट पर Amazon और Flipkart पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड बाय इट। और लड़कों तुम्हारा गिफ्ट सॉर्टेड है जैसे मेरा सॉर्टेड हो गया। मैं
मेरा कान लाल हो गया। तो तुम क्यों नहीं परमानेंट पहनती हो यार? तो तुम लेके भी नहीं देते हो ना, एक सोने का ले दो हीरे का। कब का दिया हुआ है मैंने? वो छोटा, वो बहुत छोटा पड़ जाता है तो उससे कान टाइट हो जाते हैं, थोड़े बड़े ले दो ना। वो ठीक है, तुम्हारे कान बड़े होते जा रहे दिन पर दिन हाथी की तरह, पता है? वो तो उतना ही है, तब तो फिट होता था, अब क्यों नहीं होता? कान चेक कराओ अपना। तुम क्यों, तुम ग्रो कर रही हो धीरे धीरे, यू आर ग्रोइंग। यहाँ से तो ग्रोइंग समझ में आता है, ये तो मेरा होता ही था ग्रोइंग, ये भी होने लग गया है ग्रोइंग। दोस्तों मैं अपने जिम में आ गया हूँ और इस जिम में बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से बाहर दिखता है। अभी अभी हमारा जो डॉग वॉकर है वो लेके उनको उतरा है, देखते हैं। तो मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने, अविनाश गया है नीचे जैसा कि बताया था। जब तक वो ऊपर आता है तब तक मैं कॉफी बना के रखती हूँ। ये यार ये कॉफी बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी जिम में और मैंने जिम से लेके बाहर तक पूरा कवर किया एरिया जहाँ जहाँ वो उनको घुमाता है और मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखी। लेकिन मैंने अभी गार्ड से भी बातचीत की है, बाहर के एक दो लोगों से भी बातचीत की जो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और ऑलरेडी मुझे पता ही था कि वो अच्छा ही लड़का है, बट स्टिल। तो आज जो है मेरा डाउट जो है क्लियर हो गया सब कुछ देख के, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो लेट्स सी, अभी ऊपर जाके देखते हैं, संभावना को मैं दिखाता हूँ वीडियो क्योंकि वो भी थोड़ा देखना चाहती थी। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। दो तीन गार्ड से पूछा मैंने बिल्डिंग के, तो हर जगह से रिपोर्ट अच्छी ही मिली है। मैं नीचे से करके आया हूँ सब चेक, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो दिखी नहीं। वैसे मैंने मुझे भी तो कभी भी नहीं लगता ऐसा, नहीं सालों से है वो अच्छा लड़का है मेरे को लग रहा है। अभी तो तुम्हें क्या माता का वो भी दिखा के गया ना, माता पता है कितना बड़ा माता का भक्त है वो, मतलब मुझे कभी ऐसा लगता नहीं उस पे। एक बार एक काम करो ना, जो अपने मेन चीफ गार्ड है उनसे एक बार बात करो। मैं बात करके आऊंगी, मैं पर्सनली जाके बात करके आऊंगी, फोन पे बात करने का मतलब नहीं है, मैं पर्सनली जाके बात करके आऊंगी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने अभी तक ये चीज़ किसी को बोली नहीं है लेकिन फिर भी आज ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कोको की दवाई, जैसे आप लोग पूछते रहते हो कि जब आप नहीं होते हो तो कोको की दवाई कौन खिलाता है उसको, तो वो विकास ही है, विकास के हाथ से ही कोको दवाई खाता है, वरना कोको को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जबकि अमिता भी इतना प्यार करती है सबको लेकिन अमिता भी डरती है कोको से, कोको को दवाई सिर्फ विकास खिलाता है, तो इससे ज़्यादा प्रूफ और वैसे क्या चाहिए। बट सब अच्छा है जैसे तुम देख आए हो नीचे, ठीक है ना? मॉर्निंग में तो मैं देखता भी हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, भी आओ पास में। अब ये तुम टैली करोगे इस बात को कि बात सच है कि नहीं है। आपको मालूम है आप मेरे बच्चों के लिए बहुत कंसर्न हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चों पे मैं कितना ध्यान देती होंगी इतना आप सोच नहीं सकते। जब मैं शूटिंग्स पे जाया करती थी बीच बीच में, और ये अभी हाल ही में भी होता रहा है और हमेशा होता रहता है मेरे साथ, मैंने अगर किसी जो डॉग्स को वॉक कराने वाले होते हैं किसी के डॉग के साथ बदसलूकी करते हुए देख लिया, बदतमीजी करते हुए देख लिया, तो मैं उनके घर तक पहुंची हूँ डॉग ओनर के। अपनी शूटिंग पे मैं लेट पहुंची हूँ, एयरपोर्ट्स में लेट पहुंची हूँ, लेकिन मैंने उनको रुका कर उनके घर पहुंची हूँ, उनको मैंने उन लोगों की कंप्लेन करी है कि ऐसा हुआ है और आपको ये देखना बहुत जरूरी है, इस बंदे को चेंज करो। तो आपको क्या लगता है मैं मेरे बच्चों का ध्यान नहीं दूंगी? बेबी ये बात तो तुम भी जानते हो। मुझे तो आज तक याद है हम लोग कहीं जा रहे थे और ऐसा झगड़ा हुआ था मेरा, इसने रास्ते में रोका, वो कोई डॉग वॉकर था जो इसने डॉग को ठीक से घुमा नहीं रहा था, खींच रहा था, कुछ कर रहा था, इसने गाड़ी रोकी, इसने बोला अपने मालिक को फोन लगा, उसने बोला अभी फोन लगा, इसने फोन लिया हाथ से, बोला डॉग का नाम क्या है, उसने कुछ नाम बताया, इसने बोला सरदार जी ओनर थे, बोले सरदार जी ये नाम का डॉग आपका है, बोले हाँ जी हाँ जी बेटा जी क्या हो गया, बताया आपका जो लड़का घुमाता है ना ठीक से नहीं घुमाता, मैं लोखंड वाला मैंने पकड़ा इसे, ठीक से क्या बदतमीजी कर रहा था, मार रहा था वो डॉग को। तो ये इतना कंसर्न रहती है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सोचो कि मैं मेरे बच्चों के लिए कैसी होंगी अगर मैं दूसरों के बच्चे इतना ही मैं ध्यान देती हूँ जितना मैं चलती रहती हूँ, बहुत चौकस रहती हूँ। और हम आपको बता दें कि पिछले कितने सालों, मुझे याद नहीं, हमने पहला डॉग वॉकर रखा है 10 सालों में, और उसमें इतना अगर मेरे को फेथ है तो आप सोचो, और कितना फेथ, कितने इंटरव्यूज, कितनी बातें, कितना कुछ पूछ के, उसके अंदर बहुत प्यार है डॉग। उस लड़के के घर जाते हैं हम, उसके घर जाते हैं हम लोग, वो पूजा होती है, वो बहुत पूजा पाठ वाला लड़का है, उसके घर जाते हैं हम लोग। तो जी फाइनली अब शुरू होने जा रही है शाम की आरती, तैयारी हो चुकी है, थाली सज चुकी है और मेरी बेबी अब कुछ निकाल रही है जो निकालते निकालते गिरा दिया है कुछ। Thank you.
आरती ले कोको जाओ चेरू आई मेरा छोटा बेबी चेरू मेरा छोटा बेबी। तो दोस्तों हम लोग की पूजा खाना डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब संभावना जारी है हमारे नेबर से मिलने के लिए जिनके घर में कल आग लगी थी। तो मैं थोड़ी देर उनसे मिलके आती हूँ, मेरे को पूछना है कि अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो एटलीस्ट हम लोग किसी काम आ सके। तो आपको मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। चुना आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में बेटा। चेरी का है वो अंदर से आवाज़ें।